मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के 21,562 लाभार्थियों के खाते में आवास का प्रथम किस्त 87 करोड़ की धनराशि ऑनलाइन बटन दबाकर उनके बैंक खाते में हस्तांतरण किया, जिसके तहत जनपद गोरखपुर में 269 लाभार्थियों के खाते में मुख्यमंत्री आवास योजना का प्रथम किस्त का हस्तांतरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर के निवासी और लाभार्थी जंगल कौड़िया के निवासी अक्षय भर से बात की तथा प्रदेश में चल रहे योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान लाभार्थियों ने प्रथम किस्त मिल जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गोरखपुर में असहाय कुष्ठ रोगी बाढ़ग्रस्त पीड़ितों तथा वन टांगिया मुसहर बस्ती में रहने वाले नागरिकों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 269 नागरिकों के खाते में प्रथम किस्त का हस्तांतरण किया। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, CDO इंद्रजीत सिंह तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी अक्षय भर तथा जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्णय के बाद से डाटा 2011 के क्रम में आवास योजना ग्रामीण की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित एक योजना फरवरी 2018 में स्वीकृत की और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण खास करके इसमें कई AES कालायाप की और प्राकृतिक आपदा गोरखपुर रानी वाले गोरखपुर कहाँ? गोरखपुर कहाँ? रामसभा बढ़नी कौड़िया जंगल। अच्छा, वहाँ के बढ़ने के रहने वाले हैं? आपके पास मकान नहीं है? नहीं सर। अब मकान मिल रहा है ना आपको? हाँ। तो ये जो पैसा मिलेगा, ये पैसा मकान पे ही खर्च लगाएंगे कि इधर उधर खर्च कर देंगे किसी और कार में? नहीं गुरु जी, मकान ही बनाएंगे। हम तो बहुत दिक्कत में, मकान ही बनाएंगे। मकान पे सारा पैसा खर्च कर देना है? शराब शराब तो नहीं पीते हैं? नहीं नहीं, कभी कभी पी लेते होंगे? नहीं, शराब नहीं पीते। आप पीना मत, शराब मत पीना। शराब पे पैसा खर्च मत कर देना है, पैसा जो है मकान पे ही खर्च करना। कितने बच्चे हैं आपके? चार बच्चे हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। क्या करते हैं चारों? अभी तो पढ़ लिख रहे हैं सर। पढ़ा रहे हैं ना उनको? हाँ, सभी पढ़ा रहे हैं। और राशन कार्ड वगैरह है? राशन कार्ड है, गैस भी है, सब मिल गया है। ठीक है, बहुत सुंदर। देखो, अच्छी सरकार होती है तो सारी सुविधा मिल जाती है। और ये स्वास्थ्य वाला कार्ड है या नहीं है? स्वास्थ्य का बीमा, जो आयुष्मान भारत वाला गोल्डन कार्ड? नहीं सर, यही दो चीज है हमारे पास, राशन कार्ड और गैस वाला, बाकी कुछ नहीं है। तो ये क्यों नहीं बनवाया? ये भी बनवा दो, ये फ्री में बन जाएगा। 5 लाख का स्वास्थ्य आपको बीमा, यानी स्वास्थ्य की सुविधा 5 लाख तक की फ्री में मिलेगी। ठीक है, और वहाँ पे अधिकारी हैं, जिलाधिकारी और CDO दोनों हैं। इन दोनों अधिकारियों से मैं कह रहा हूँ कि वो सभी जितने लाभार्थी हैं सभी लोगों का बनवाएंगे। ठीक है, हाँ। और फ्री में फिर जाएंगे हॉस्पिटल में, तो किसी भी हॉस्पिटल में उपचार फ्री में हो जाएगा 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, हाँ, तो ठीक है। अभी पैसा जा रहा है, इस पैसे बहुत सुंदर बधाई। एक बहुत पवित्र कार्य आज यहाँ पर हो रहा है, जब 21,500 से अधिक लाभार्थियों के खातों में मुख्यमंत्री आवास योजना की
की राशि आज एक साथ भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना की उपयोगिता आपने चित्रों के माध्यम से आज के इस युग में भी इस दयनीय स्थिति में रह रहे लोगों की स्थिति को देखकर के अंदाजा लगाया जा सकता है कि शासन की यह योजना की प्रासंगिकता और इसकी उपयोगिता इसी से परिलक्षित होती है कि आज के इस युग में जब शासन के अनेक योजनाएं चल रही हैं, उस समय भी एक तबका ऐसा है जो अपनी बुनियादी सुविधा मकान भी उसके पास रहने के लिए सम्मानजनक ढंग से नहीं है। उन स्थितियों में ही हम लोगों ने आज से 3 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना ग्रामीण की तर्ज पर ही SACC 2011 की सूची के बाहर रह गए उन सभी परिवारों को इससे लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ की थी। यद्यपि उत्तर प्रदेश ने पिछले 3 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 30 लाख से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध कराए और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी अनुकंपा से पूरे देश के अंदर 2 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध हुए और उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से अधिक परिवारों को सुविधा प्राप्त हुई। अभी कुछ ही दिनों के अंदर हम लोग लगभग 7.5 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में नए आवास उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोग प्रस्तावित किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह जा रहे उन सभी परिवारों को भी आच्छादित करने के लिए जैसे वन्य गांव में रहने वाले लोग पंटांगिया जिन्हें 2017 के पहले राजस्व गांव की मान्यता नहीं मिल पाई थी, SACC 2011 की सूची के बाहर थे, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर उन सभी गांवों में एक भी पक्का मकान नहीं था। आज मुझे प्रसन्नता है कि वहां पर लगभग हम लोग 100% आच्छादन की ओर पहुंच चुके हैं। मुसहर जाति मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बदहाल और सबसे गरीब कोई जाति थी तो वह मुसहर जाति थी। कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रदेश के लगभग बहुत सारे जनपद ऐसे थे जहां पर मुसहरों की संख्या बहुतायत थी, लेकिन उन्हें सभी कोई सुविधा नहीं मिल रही थी। यहां तक कि जिस भूमि पर वे रह रहे थे झोपड़ी डाल करके उसका भी जमीन का पट्टा उनके सांपास नहीं था, उनको शासन की कोई सुविधा 2017 के पहले नहीं मिलती थी, लेकिन आज ज्यादातर इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुके हैं या उन्हें प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार से कालाजार, मस्तिष्क ज्वर, जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम जो इस योजना के बाहर थे जिन्हें सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, इन सभी लोगों को इस सुविधा से लाभान्वित करने के जिससे ही परिवारों को इस सुविधा से लाभान्वित किया गया और आज 21,500 से अधिक परिवार इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे कि ग्रामीण विकास मंत्री ने आपको बताया कि मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में यहाँ पर प्रति लाभार्थी 1,30,000 रुपए की राशि आवास योजना के लिए और जिन परिवारों को
शौचालय अभी नहीं मिल पाया, उन्हें मनरेगा के अंतर्गत 12,000 रुपए की राशि शौचालय के लिए अलग से उपलब्ध करवाने की व्यवस्था होगी। साथ साथ उन क्षेत्रों में 95 दिनों तक मनरेगा की मजदूरी वहां पर उन्हें उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी की जाएगी और शेष अन्य जनपदों में 1,20,000 रुपए की राशि के साथ ही अगर शौचालय नहीं तो 12,000 रुपए शौचालय के अतिरिक्त और इसके अलावा 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी भी उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई मकान निर्माण के लिए आवास योजना की तहत उनको उपलब्ध कराने का कार्य ग्रामीण विकास विभाग उपलब्ध कराएगा। मैं आज यहाँ पे सभी जिला प्रशासन से कहूंगा और मैं समझता हूँ कि ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से और मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी सभी जिला प्रशासन को इस बात के लिए जाना चाहिए कि जिस गरीब का जहाँ पर झोपड़ी है, जहाँ पे उसका पक्का जब वहां पे मकान है, स्वामित्व योजना के अंतर्गत अगर वह रिजर्व कैटेगरी की लैंड नहीं है और विवादित लैंड नहीं है तो उसका मालिकाना हक उसे उपलब्ध करवाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एक बड़ा कार्य होगा उन गरीबों के लिए जिन्हें बार बार खानाबदोश की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है और अगर रिजर्व कैटेगरी या विवादित लैंड है तो उन्हें सुरक्षित ऐसे स्थान पर जहां पर उन्हें और अन्य समुदाय से जुड़े हुए लोगों में विवाद भी ना हो और उन्हें सुरक्षित वहां पे बसाया जा सकता हो, ऐसी स्थिति मकान बनाने के लिए किया जाना चाहिए। जैसे वाराणसी के अंदर और कुछ अन्य स्थानों में क्लस्टर के रूप में आवास उपलब्ध कराए गए हैं, ऐसे ही गरीबों के लिए क्लस्टर में आवास, पार्क, शौचालय और अन्य कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाए। तो सबसे पहला कार्य जमीन का पट्टा एक अभियान चला करके गरीबों के नाम पर करने की कार्रवाई सुनिश्चित हो जाए, जिससे कोई भी गरीब जो ऐसे के भी मेरे पास आया है कि लगभग 4,000 के आसपास परिवार जो लाभार्थी बन सकते हैं इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि उनके पास आवास के लिए जमीन नहीं है। हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र में जमीन होती है, उसको ट्रांसफर करके भी कर सकते हैं, अन्य योजनाओं से भी उसको उपलब्ध करा सकते हैं और ये प्राथमिकता होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके जीने के लिए रोटी, उसके तन को ढकने के लिए कपड़ा और उसके सिर को ढकने के लिए मकान ये आवश्यक शर्त है और सरकार इसे देने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। इसके लिए आवश्यक है कि हम मकान की सुविधा के लिए आवासीय पट्टा तत्काल गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। दूसरा, शासन की जितनी भी स्कीम है उन स्कीम से इन गरीबों को जोड़ने की कार्रवाई एक अभियान चला के किया जाना चाहिए। अगर हम मकान दे रहे हैं या मकान दिया है तो मकान देने के साथ शर्त ये भी होनी चाहिए कि मकान के साथ रसोई गैस का कनेक्शन, राशन कार्ड योजना, देखो ये तुम्हारे नाम से कार्ड बनी हुई है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर सकते हैं, उन्हें विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध हो जाए, कार्ड आप ही के नाम से है, अच्छे बार आपके नाम से, आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख तक का किसी भी अस्पताल में जाके इलाज कर सकते हैं, प्राइवेट अस्पताल। इसके साथ ही बीमारी परिवार कुछ ना कुछ पैसा बताई नहीं गया ठीक हो जाए, जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना के साथ उन्हें जोड़ने की कार्रवाई जिससे उसके भविष्य के लिए भी उन्हें 2-4 लाख रुपए की स्वास्थ्य 4 लाख रुपए की कोई दुर्घटना बीमा के साथ उस परिवार को जोड़ा जा सके, इसे एक अभियान के रूप में दिया जाने की आवश्यकता है। शासन की योजनाएं हैं लेकिन उन गरीब पात्रों को योजना नहीं मिल पाती है क्योंकि उसे मालूम नहीं, जागरूकता का अभाव है। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग केवल सुनी सुनाई बातों से भयभीत होकर के कोई अपना स्टार्टअप या कोई अपना कार्य आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अगर हम इन में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने स्वतः रोजगार के साथ भी जुड़ सकते हैं,
कोई बकरी पालन के साथ जुड़ सकता है, कोई मुर्गी पालन के साथ जुड़ सकता है, कोई मछली पालन के साथ जुड़ सकता है, कोई डेयरी उद्योग के साथ जुड़ सकता है, कोई पत्तल बनाने का काम कर सकता है, कोई व्यक्ति मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर सकता है, कोई व्यक्ति किसी न किसी, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई योग्यता प्रतिभा है। हम उसको इस किसी न किसी कार्य के साथ जोड़ करके, बैंकों के साथ जोड़ करके, छोटी सी पूंजी उसके साथ जोड़ करके उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आज के अवसर पर आप सबसे कहूंगा कि हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि शासन ने आज हमने वर्चुअली कार्यक्रम भले किया है, अगर हम नहीं करते तो हमें जानकारी नहीं मिल पाती कि बहुत सारे लोगों को आयुष्मान भारत के कार्ड नहीं मिल पा रहे। इससे पहले कुशीनगर के अंदर जो लाभार्थी अभी मेरे सामने मिले थे, मैं उस गांव में गया हूं, एक बार नहीं कई बार गया हूं, क्योंकि वहां पे भूख से मौतें होती थी। और 2003 से लेकर 2008 तक मैंने एक अभियान चलाया था वहां पे राशन कार्ड वितरण का, इतने भी मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं था, लेकिन तो भी एक मानवता के नाते वहां जाकर के अभियान चला करके उन्हें जॉब कार्ड उपलब्ध कराना, राशन कार्ड उपलब्ध कराना, उनके मकान की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराने की कार्रवाई करना, और सत्ता 2017 में शासन में आने के बाद हम लोगों ने अभियान चला करके सभी गरीबों के लिए राशन कार्ड उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की थी। यहां तक कि कोरोना कालखंड में भी जितने भी प्रवासी कामगार और श्रमिक थे, सबके लिए भी राशन कार्ड की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध करवाई। इसीलिए कोई गरीब भूख से नहीं मरना चाहिए, ये मानवता की कसौटी का पहला हमारे लिए हमारी परीक्षा होगी कि हमारे गांव में, हमारे ब्लॉक विकास खंड के अंदर, हमारे जनपद में ये हमारा एक संकल्प होना चाहिए कि कोई व्यक्ति भूखों नहीं मरेगा, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में नहीं मरेगा, शासन की योजना होते हुए भी वह अभावग्रस्त रहे, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए हरेक गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए इतनी योजनाएं दी, उन योजनाओं का लाभ उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचना ही चाहिए। और मैं इसलिए कहूंगा कि इसको अभियान लगा करके इन सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य होना चाहिए, यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर करें। दूसरा, आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने WHO ने 2030 तक दुनिया को ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करने के लिए भी कहा है, एक अभियान चलाया है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2025 में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहा है। मैं सभी जिला प्रशासन से कहूंगा ट्यूबरक्लोसिस कहीं और जगह नहीं है, अभाव से जूझ रहे, सुविधाओं से वंचित, इन्हीं स्थलों पर ट्यूबरक्लोसिस भी है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए सरकार ने पहले से ही बहुत सारी स्कीम चलाई हुई है, डॉट्स योजना उसकी एक योजना है, जिले के अंदर टीबी उन्मूलन के कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना, ऐसे परिवारों को चिन्हित करना, शासन की योजनाओं के साथ जोड़ना, प्रतिमाह मिलने वाले इंसेंटिव उन परिवारों तक पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, और ऐसे परिवारों की सूची होनी चाहिए और प्रत्येक स्तर के अधिकारी को, आपके ग्राम विकास का अधिकारी होगा, लेखपाल होगा, कानून को होगा, नायब तहसीलदार होगा, तहसीलदार होगा, या किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, अलग अलग विभाग के अधिकारियों को एक पूरी सूची बनाइए और प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी के साथ एक ऐसे व्यक्ति को भी जोड़ दीजिए जिसके बारे में हर महीने उस तक शासन की सुविधा मुझे पहुंच रही है। अच्छा है, बात की है, क्या बात हुई? ये कह रहे हैं कि मतलब जो है पैसा दे रहे हैं तो आवास बनाने के, तो आवास ही बनाना, घर जो है फालतू पैसे खर्च मत करना कहीं, और बच्चों को पढ़ाना लिखाना अच्छे से,
और जो है घर द्वार बना लेना बढ़िया से, कमाना खाना, और जो है राशन कार्ड मिल गया है और गैस सिलेंडर मिल गया है, और ये कार्ड बनवा दिए हैं जो है 5 लाख रुपये तक दवा ववा हो सकता है, वो सारी सुविधाएँ मिल गई है। सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे, इतनी सुविधाएं आपको दी जा रही है? सरकार के लिए तो मैं बार बार प्रणाम करता हूं कि जो है अपने घरों में रह करके जो है हम लोग बहुत पीछे थे, लेकिन अब जानकारी हो गया है, बाबा जी हम लोग के बहुत धन्यवाद दिए हैं कि अब हम लोग के सर पर छत डाल दिए हैं। कहाँ कराने वाले हैं आप? गोरखपुर के। देखिए मुख्यमंत्री आवास योजना है ये, तो 800 रुपये मुख्यमंत्री जी ने उन वर्ग के लिए देते हैं जो बहुत असहाय लोग हैं, यानी जो बाढ़ ग्रस्त लोग हैं, देवी आपदा से ग्रस्त लोग हैं, कुष्ठ रोग लोग हैं, मुशहर लोग हैं, वनटांगिया लोग हैं, उसी के हिसाब से हमारा जनपद तकरीबन 270 लोग का आवास आज माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मिला है। पहला किस्त उन लोगों को जारी हो गया है, बीच में कोविड के दौरान तो योजना नहीं चल पाई, अब उसलिए जो पूरे आज कितने इस साल में जो कितने लाभार्थी को मिलना है उन लोगों को आज से मिलना शुरू हो गया। तकरीबन 30,000 लोग का माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बटन दबा करके उनका पहला किस्त खाता में भिजवा दिए। गोरखपुर में 270 लोग का पैसा मिला है, पहला किस्त 50,000 रुपया का आएगा, उसके बाद फिर दूसरा और तीसरा किस्त, 3 किस्त में आता है, पहला किस्त 50,000 रुपये उनके खाते में पहुंच भी गया है।